फ्रेंड्स, दिस इज एमडी अफरोज, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ओवरलैपिंग के बारे में। फर्स्ट मैं पार्ट वन में आपको बताया हूँ किस तरह से जोगल देते हैं, तो जोगल किस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में देते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बने रही है पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सीनियर मिस्त्री भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और एक मिस्त्री भी है हमारे रवि भाई। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अल्टरनेट वे फॉर्म में प्रोवाइड करना चाहिए। मींस जैसा कि यहाँ पे जोगल प्रोवाइड किया है कि क्रैंक बार और इसको बेंड जैसा कि बेंड किया है, इसको बेंड बार भी बोल सकते हैं जर्नली, एज पर टेक्निकली बोलते हैं उसको जोगल बोलेंगे टेक्निकली। तो यहाँ पर जो जोगल दिया गया है उसको एक ही फॉर्म में, एक ही लाइन में नहीं देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोजीशन पे हम दिए गए हैं, तो जो नेक्स्ट जो ओवरलैप होगा वो आगे आना चाहिए या फिर पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे एक कॉर्नर पे ये फेस पे दिया गया है, तो ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर थोड़ा हाइट पर दिया गया है, और उसके बाद देख सकते हैं और हाइट पर दिया गया है, फिर नीचे दिया गया है। मीन्स इसको अल्टरनेट वे में देना चाहिए, ऊपर नीचे अप डाउन देना चाहिए। अगर आप एक ही फेस पे जोगल देते हैं या फिर ओवरलैपिंग करते हैं, तो इन फ्यूचर में अर्थक्वेक आया, कुछ जलजला आया, तो उस टाइम पे सडनली कॉलम जो है ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। मींस कॉलम सडनली एक ही साथ गिरने के चांसेस होते हैं। अगर आप उसको अल्टरनेट वे में देंगे, अल्टरनेट फॉर्म में उसको जगल प्रोवाइड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा होके दोस्तों वो नीचे गिरेगा। मगर सडनली आप एक ही जगह पे उसको जोगल देंगे तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर में। सो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जगह पे जोगल दिया गया है यहाँ पे ओवरलैपिंग। और नेक्स्ट को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे से बताता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जोगल दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे देख सकते हैं जोगल दिया गया, फिर वहाँ पे दिया गया है, अल्टरनेट वे में दिया गया है। दोस्तों इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे रेनफोर्समेंट है कॉलम के। दोस्तों यहाँ पे कितने बार्स हैं, यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताता हूँ। 20 mm के डायमीटर, यहाँ पे 20 mm डायमीटर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, चार, पाँच, छः, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, 6 बार यहाँ पे दिया गया है। टोटली कितने हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 6 वो होगा दोस्तों, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 बार्स यहाँ पे एक कॉलम में 20 mm डायमीटर के बार यहाँ पे दिया गया है, और ओवरलैपिंग भी 20 mm डायमीटर से किया गया है विद द हेल्प ऑफ द जगल देके। और यहाँ पे रिंग का जो इस्तेमाल किया है, 8 mm डायमीटर ऑफ बार का यहाँ पे रिंग इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉलम का साइज़ भी बताता हूँ, इस वीडियो पे बने रही है। तो दोस्तों जैसा कि इसका साइज़ देख सकते हैं कॉलम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 26 inches हो रहे हैं दोस्तों। टोटली दोस्तों यहाँ पे कवरिंग वगैरह मिला के दोस्तों यहाँ पे ये 2.5 feet हो जाएगा दोस्तों, 2.5 feet के करीब हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उसका जो साइज़ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है यहाँ पे 21 inches मिल रहा है। उसका कवर मिला के दोस्तों ये हो जाएगा 2 feet और 2.5 feet का दोस्तों ये कॉलम यहाँ पे आफ्टर कॉन्क्रीटिंग दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 27 inches यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कवरिंग आएगा डेढ़ इंच बोलते, मीन्स यहाँ पे 2.5 feet और 2.5 feet बाई 2 feet का यहाँ पे आफ्टर कॉन्क्रीटिंग के बाद यहाँ पे आपको कॉलम का डायमेंशन साइज मिल जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये साइट है, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से यहाँ पे सभी को यहाँ पे ओवरलैप किया गया है दोस्तों। जैसा कि हमारे वर्कर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे आगे का वर्कर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं इसका साइज़ बताऊँ, यहाँ पे जो है कितना है दोस्तों, ये 2.5 feet है दोस्तों, 27 inches है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 27 inches है। यहाँ पे कवरिंग मिला के ये 2.5 feet हो जाएगा आफ्टर कॉन्क्रीटिंग के बाद, और वो साइड से दोस्तों यहाँ पे 21 inches है आफ्टर कॉन्क्रीटिंग होने के बाद, वहाँ पे 2 feet हो जाएगा, 2.5 feet बाई 2 feet का आफ्टर कॉन्क्रीटिंग यहाँ पे हो जाएगा। और स्पेसिंग यहाँ पे आपको बताऊँगा मैं, फ्रॉम वन टाइस टू अनदर टाइस, एक रिंग से दूसरी रिंग तक, यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे 8 inches,
यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 इंचेस यहाँ पे मिलेगा आपको एक टाइस से दूसरी टाइस तक। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे 8 इंचेस यहाँ पे आपको मिलेगा। और जहाँ जहाँ पे भी दोस्तों यहाँ ओवरलैपिंग करते हैं वहाँ पे कम मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे 7 इंचेस, ओके 7 इंचेस। और जहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 7 इंचेस। तो दोस्तों जहाँ पे भी हम ओवरलैपिंग करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी हम ओवरलैपिंग करेंगे उसका दोस्तों रिंग स्पेसिंग जो होगा रिंग का टाइस का वो कम हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग दिया गया है, जहाँ जहाँ पे भी ओवरलैपिंग दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पेसिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिंग देख सकते हैं इसका स्पेसिंग यहाँ पे 7 इंचेस मिल रहा है, 7 इंचेस 6 इंचेस यहाँ पे 150 mm यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ जब 150 mm या 7 इंचेस मिल जाएगा जहाँ पे भी। और दूसरी जगह पे दोस्तों 200 mm स्पेसिंग मिल जाएगा जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 20 mm डायमीटर 20 ले रहे हैं यहाँ पे। और रिंग जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें रिंग देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिंग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको हुक दिख रहा है, यहाँ पे एक हुक दिख रहा है, और सॉरी वहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 हुक्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, वहाँ पे एक देख सकते हैं, और एक हुक है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा वहाँ पीछे में एक। टोटल यहाँ पे 3 रिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं 8 mm का। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जैकल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे अल्टरनेट वे में रहना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं जैकल प्रोवाइड किया गया है। और दूसरी जगह पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं अल्टरनेट में प्रोवाइड किया, सभी जगह पे अल्टरनेट प्रोवाइड किया दोस्तों। ये 20 mm का डायमीटर ऑफ बार है दोस्तों, और इसका एज़ पर हमारे जो डिज़ाइन इंजीनियर है इसका जो डिज़ाइन किए हैं वो जैसा कि प्रैक्टिकली लेते हैं 45D मीन्स मतलब ये 20 mm डायमीटर का उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 फीट का हमको ओवरलैप देना चाहिए। तो यहाँ पे ओवरलैप देखेंगे हम, यहाँ पे कितना मिल रहा है हमको ओवरलैपिंग यहाँ पे हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना इसको ओवरलैपिंग हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 फीट दोस्तों यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे एज़ पर डिज़ाइन के हिसाब से प्रैक्टिकली हम लेंगे तो 45D होगा, 3 फीट हमको ओवरलैप मिल रहा है एक बार से दूसरी बार तक। और एक भाई बताता हूँ मैं आपको दूसरा भी ओवरलैप का, और एक भी बताता हूँ आपको, इस वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 फीट से यहाँ पे आपको ज़्यादा ही मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आप 40 इंचेस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको ओवरलैपिंग जो मिल रहा है यहाँ पे भी ज़्यादा ही मिल रहा है, 3 फीट 4 इंचेस यहाँ पे ओवरलैपिंग मिल रहा है दोस्तों। मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ यहाँ पे 45D लेना चाहिए बोल के। यहाँ पे देख सकते हैं 40 इंचेस यहाँ पे ओवरलैपिंग मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले यहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ से लेके ओवरलैपिंग यहाँ तक आपको मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपको 45D मीन्स 40 इंचेस मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 40 इंचेस मिल रहा है ऊपर टॉप से, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से लेके और वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको 40 इंचेस ओवरलैपिंग मिल रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट कॉलम के बारे में होगी, जैसा कि यहाँ पे और एक यहाँ पे जो कॉलम है इसका किस तरह से रेनफोर्समेंट दिया गया इस वीडियो में बताता हूँ, बने रही इस वीडियो पर पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की जानकारी हासिल के लिए। थैंक्स टू वन एंड ऑल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ दोस्तों, बाय बाय।